फ्रेंड्स, मैं हूं भारती। स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे और खुश होंगे, मस्त होंगे। और आज की तारीख है 28, की दिन है शुक्रवार का, और मैं निकल पड़ी हूं अपने ससुराल घर पे। जैसा कि आप पिछले वीडियो में देख ही होंगे कि मैं शाम को ही जो है ना हॉस्पिटल से घर पे अपने पहुंची थी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि क्योंकि पर्व का जो है ना आज से 3 दिन तक का पर्व स्टार्ट हो चुका था और मुझे पहुंचना था अपने ससुराल घर बिहार में, क्योंकि बिहार में ये पड़ता है। और मैं हमेशा की तरह पर्व में जो है ना घर पे ही होती हूँ, इकट्ठे सभी होते हैं तो अच्छा भी लगता है पर्व में। तो बस उसी के लिए मैं निकल पड़ी थी। सुबह के करीबन 6 बजे मैं अपने मायके से निकल चुकी हूँ, और ये मेरी 7:30 बजे की वीडियो स्टार्टिंग मैंने की थी। और इसका व्यूज़ देखिए, कुछ बाहर का कुछ इस तरीके से था, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं जैसे बिहार एंट्री ली थी ना, उसके बाद ही मैं यहाँ से वीडियो स्टार्ट की थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था, खूबसूरत सा नज़ारा भी था। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, और सुबह का जो है जर्निंग बहुत ही अच्छा होता है, आसान हमारे लिए रहता है। क्योंकि अगर जिनको भी गाड़ी लगता है ना, तो आप सुबह में अगर जर्निंग करते हो बिना कुछ खाए पिए अगर आप निकल पड़े हो, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। जिनको जर्निंग नहीं लगती है तो उनके लिए तो फिर बहुत ही बेटर है, किसी भी समय निकलिए, आप कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पर मुझे बहुत ज़्यादा जर्निंग लगती है, मॉर्निंग के टाइम में निकलती हूँ तो मुझे ठीक रहता है, मैं अच्छे खासे घर पर पहुँच जाऊँगी। करीबन 10 से 15 मिनट के लिए कहीं भी ब्रेक जरूर लूँगी, क्योंकि कंटिन्यू मैं जर्निंग नहीं कर पाती हूँ। तो थोड़े टाइम के लिए मैं बच्चों के साथ में हूँ तो ब्रेक जरूर लूँगी, और 8:30 के बीच में घर में पहुँच जाऊँगी। मेरी वीडियो थोड़ी लेट गई है, आप उसके लिए ज़रूर माफ़ कीजिएगा। और छठ की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। और ये देखिए, मैं घर पर आ चुकी थी, और यहाँ पर 9:30 के टाइम ही मैं बज चुके थे, और मैं नहा धो ली थी। और नहा धोने के बाद मैं यहाँ पे छठ की, ये देखिए, कदुआ भात की तैयारी शुरू कर दी थी। यहाँ पे सभी सब्जियाँ वगैरह मैंने काट लिए थे, और एक साइड से जो है ये हमारी दीदी है, ननद है हमारी, तो हमसे ये बड़ी हैं। और ये क्या है ना, एक दिन पहले ही घर पे आ चुकी थी, तो क्या होता है चीज़ें आसान हो जाती हैं, सभी परिवार के लोग इकट्ठे रहते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है। मैं मायके घर से जब भी निकली थी ना, तो भाभी का तो देखिए आप पहले ही पिछले वीडियो में मैंने शेयर किया था कि उनकी ऑपरेशन हुई थी, तो वहाँ से निकलना तो मेरे लिए उचित नहीं था। लेकिन मर्यादा जो होती है, जो जिम्मेदारियाँ होती हैं, ये हम लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से निभानी होती है। कि कुछ जिम्मेदारियाँ मायके की होती हैं, उन्हें भी अच्छे तरीके से निभाओ, और कुछ जिम्मेदारियाँ ससुराल की होती हैं, तो वो भी जिम्मेदारियाँ मैं अच्छे तरीके से निभाना चाहती हूँ। क्योंकि कोई भी चीज़ जो है ना, हम महिलाओं को ही करना पड़ता है। चीज़ें आसान और मुश्किल बनाना हमारे ही हाथों में होता है, तो जितना कोशिश है कि आप अपनी ज़िम्मेदारी अच्छे तरीके से निभा लो तो अच्छा है। तो बस यहाँ पे देखिए, छठ के घाट की भी तैयारी बाहर की ओर से हो रही है। तो घर के पास में ही जो है ना छठ का घाट तैयार किया जाता है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो कोई भी घाट की जो है ना तैयारी अच्छे तरीके से नहीं हुई थी। अगर हम लोग बिफोर आते थे तो छठ की तैयारी पहले ही शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार बहुत मतलब लेट हो चुके थे, क्योंकि वहाँ पे भी हमें रहना बहुत ज़रूरी था, और पर्व की स्टार्टिंग भी हो चुकी थी। तो मैंने सोचा चलो छठ पूजा में कदुआ भात के ही दिन पहुँचा जाए, नहीं तो हम 1 या 2 दिन पहले ही घर पर यहाँ पर आते थे। तो एक साइड से यहाँ पर देखिए, घर पर खाना बनाने की तैयारी हो रही है। 11 से 11:30 के बीच तक में ये हमारा खाना बन जाएगा, और मम्मी जो है ना छठ पूजा के लिए जो पकवान तैयार होते हैं, उस गेहूं को छत पे सुखाने के लिए गई हैं। वो छत पे जैसे सूख जाएंगे, फिर वो आके तभी खाना खाएंगे, तो उससे पहले हम लोग तैयार कर लेंगे। और ये बाहर का नज़ारा है, आप देख लीजिए कितने अच्छे व्यूज़ हैं, खेत हैं, खलिहान हैं, और गाय के बथान भी हैं साथ में। और आगे से देखिए, यहाँ छठ के घाट तैयार हो चुके हैं। तो छठ के घाट जो है ना, 1 साल से जो पड़े होते हैं उसमें काफ़ी सारे घास सूख जाते हैं, ये देखिएगा, बहुत मतलब अजीब अजीब से घास होते हैं, तो इसको अजीब अच्छे तरीके से छीलना पड़ता है, और एक मतलब लेवल में भी करना पड़ता है। देखिए इस तरीके से घास को छीला जा रहा है। और ये है मेरे भगनारम छोटे वाले हैं, और ये मेरी छोटी बेटी है। यहाँ पे देखिए सभी मतलब इन लोगों के ग्रुप तैयार हो चुके हैं, इन लोगों की मस्ती स्टार्ट हो चुकी है।
तो ये यहाँ पे तो घाट की तैयारी चल रही है, इसके डैडी भी यहाँ पे काम पे लगे हुए हैं। तो पहले घास को जैसे छील दिया जाएगा, फिर उसे मिट्टी से लिपाई की जाएगी, फिर दूसरे दिन जाके इसे गोबर से लीप के पूरा तैयार कर लिया जाएगा छठ के घाट को। फिर जो सजावट की तैयारी होती है वो जिस दिन अर्घ पड़ेगा शाम के अर्घ का, उसी दोपहर को सजावट का भी तैयारी किया जाएगा साथ साथ में। और ये सामने से इधर देखिए, ये तुलसी चबूतरा है, घर के बिल्कुल फ्रंट एरिया में ये है चीज है। और यहाँ से सबसे बड़ी बात है कि घाट बिल्कुल दूर नहीं है, और गांव में अक्सर क्या होता है, नदियों पे जाके ही घाट को तैयार किया जाता है, और नहीं तो फिर बिल्कुल पास के जो पोखर वगैरह हैं, इस तरह के जो पानी जहाँ पे ज़्यादा जमाव है उस जगह पे तैयारी की जाती है। तो इधर हमारी खाने की तैयारी चल रही है। यहाँ पे देखिए जो मिट्टी वाली हांडी है ना, उसमें हम लोग चने की दाल तैयार कर रहे हैं, और इसी के साथ मैंने यहाँ पे खरना के वीडियो को भी ऐड कर दिया है। शाम का वीडियो है, यहाँ से मैं स्टार्ट कर दी हूँ। तो अभी दोपहर के टाइम है, देखिए करीबन 2 बज रहे थे, मैं नहा धो ली थी और घर के सभी काम, मैंने चूल्हा चौका जो भी काम था वो मैंने सब निपटा लिए थे अपने काम को। और तारीख जो है 29 की है, दिन है शनिवार का। यहाँ पे देखिए कल जो यहाँ पे इसकी छिलने घास की छिलाई हो रही थी ना, वो अच्छे तरीके से हो चुकी थी, और एक बार मिट्टी की लिपाई भी लग चुकी थी घाट पे, और इसमें पानी का भराव चालू है। अभी जैसे ही ये पोखर भर जाएगा उसके बाद यहाँ पे जो है गोबर की लिपाई की जाएगी। तो अगले दिन गोबर की लिपाई होगी, आज पूरे घाट के जो छिलाई होने के बाद उसमें पानी को भरा जाएगा। और यहाँ पे मम्मी जो है खरना के लिए प्रसाद तैयार कर रही हैं, तो ये काम को सिर्फ जो है मम्मी ही तैयार करेंगे, उसमें किसी की भी मदद मैं नहीं करूँगी, क्योंकि खरना के प्रसाद को सिर्फ पर्वतिन ही बनाती हैं और दूसरा कोई भी उसे नहीं बनाता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं घर में छोटे छोटे जो है ना ये पाठा है, छोटे छोटे बकरी के बच्चे हैं जो कि बार बार अंदर की ओर आ जाते हैं, तो मैंने उसे बस बाहर कर लिया है। और ग्रिल मैंने सामने से लगा दिया है क्योंकि ये लोग जो है ना अंदर घुस जाते हैं, तो एक साइड से मैंने ग्रिल को बंद करके, तो मम्मी किसी चीज़ को लाने के लिए गई है, तो मैं यहाँ पे बस वही देख रही हूँ कि ताकि बिल्ली या कोई घुस ना जाए। तो मम्मी जैसे ही आ जाती हैं फिर वो अपने काम में लग जाएंगी। तो हमारे घर पे रसिया और रोटी प्रसाद में बनाए जाते हैं, और साथ में जितने भी तरह के आप फल मूल भोग लगा सकते हैं, इस तरीके से पूजा के लिए प्रसाद को तैयार कर लिया जाता है। तो मुझे इस चीज़ की तो पूरी जानकारी नहीं है, मैं जितना देखी हूँ बस मैं वही चीज़ को आपके साथ शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि इसके बारे में मुझे अधिक नॉलेज नहीं है। और साथ में मम्मी को मैं देखती रहती हूँ, वो जो करती हैं या फिर जैसा करती हैं पूजा पाठ के संबंधित, मैं उस चीज़ के बारे में जानने की पूरी कोशिश भी करती हूँ। और यहाँ पे देखिए पूजा के लिए सभी तैयारियाँ हो चुकी थी, शाम का टाइम है, करीबन 7 बज रहे हैं, और अभी जो है हमारे परिवार में जितने भी मेंबर हैं वो प्रायतर सभी मौजूद हैं घर पे। और इस पूजा के लिए तो अक्सर होना ही चाहिए क्योंकि ये सूर्य भगवान का पर्व है, और ये सभी पर्वों में बहुत मुख्य पर्व है हमारे घरों पे इस चीज़ का, और इसकी महत्ता मुझे बताने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आप लोग सभी कोई इस चीज़ के बारे में अच्छे तरीके से जानते ही हैं। और यहाँ पे मम्मी की पूजा की पूरी तैयारियाँ हो चुकी हैं, तो इन्होंने बस यहाँ पे दीपक को नहीं जलाया है और भोग वगैरह सभी कुछ लगा दिए थे, और यहाँ पे अगरबत्ती जैसे ही जलाएंगे उसके बाद सबसे लास्ट में इन्होंने दीपक को जलाना है, क्योंकि फिर उसके बाद इनको खाना है, जो भी ये खा सकेंगे उसके दरमियान में कोई भी आवाज़ उनको नहीं आने चाहिए, तो इसके बाद मैं यहाँ पर से निकल जाऊँगी। और पूजा पाठ सभी हो चुके थे, मम्मी ने जो खाना था वो खा लिया था, प्रसाद भी हम लोगों को मिल चुका था। तो मैं दूसरे घर पे आई हूँ, ये हमारी मौसी जी का घर है, और यहाँ पे मैं प्रणाम के लिए करने के लिए आई थी। तो सामने से खेत है, एक पतली सी पगडंडी है,
मैं आगे की वीडियो में आप दिखाऊंगी कि कितनी पतली से रास्ते हैं यहाँ पे और चारों ही तरफ अंधेरा है, क्योंकि गांव में अक्सर जो है ना बिजली होती है पर चारों ही साइड खेत होने के कारण जो है सभी जगह बल्ब को नहीं डाला जा पाता है, तो घरों पे ही जो लाइट वगैरह होती है हल्की सी बस उसी में ही जो सामने से दिखाई देता है बस आप देखो, वरना फिर मोबाइल के टॉर्च का ही इस्तेमाल करना होता है। तो मैं देखिए यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, पहले मैं प्रणाम कर ली हूँ और यहाँ पे मैं चाची जी को भी प्रणाम कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत लंबे टाइम के बाद मैं इन लोगों से मिली हूँ तो ये हमसे बड़ी हैं, तो पहले इनको भी मैंने प्रणाम कर लिया है। और सिंदूर मैंने यहाँ पे ले लिया था, ये देखिए सुहाग मैंने चाची जी से भी ले लिया था, वैसे ये हमारी चाची जी का घर है पर रिलेटिव में है इसीलिए ये मैं मौसी जी का घर मैं आपको बता रही हूँ। और ये देखिए सामने से पतली सी आप रास्ते देख रहे हो ना, तो इसी रास्ते से हम सभी होके आए, इसके डैडी भी बिल्कुल सामने में देखिए, तो हम पूरे परिवार यहाँ आए हैं साथ में ही और यहाँ से साथ में ही निकलेंगे। और यहाँ पे हमारी ननद भी हैं, दीदी हैं, ये हमसे काफ़ी बड़ी हैं और इनसे बड़ी हैं तो हमारे लिए भी वो बड़ी ही हैं, और साथ में जीजाजी भी हैं। और इस रास्ते से होकर अब हम लोग जाएंगे, ये देखिएगा, तो पहले इन्हीं का वेट कर रहे हैं, जब से इन लोगों को प्रणाम हो जाएगा तब साथ में निकलेंगे। और आज की शाम की पूजा खत्म हो चुकी है, हम लोग सभी लोग पूजा के प्रसाद को अब ग्रहण करेंगे थोड़ी देर के बाद, क्योंकि अभी जो है जितने भी घरों में है पूजा पाठ किसी जगह हो रहे हैं या किसी जगह हो चुके हैं इसी तरीके से। तो ये देखिए जैसे मैं रास्ते से जा रही हूँ यहाँ पे चाची जी हैं तो इनको भी मैं प्रणाम कर ली हूँ। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।